कांवड़ यात्रा पर आतंकी हमले का खतरा है। यात्रियों की सुरक्षा के लिए यूपी एटीएस तैनात कर दी गई है। एटीएस के कमांडोज को कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया है। एसएसपी अभिषेक सिंह ने कमांडोज को हालात की संवेदनशीलता बताते हुए सुरक्षा के प्रति अलर्ट रहने के लिए ब्रीफ किया। कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क है, साथ ही शासन स्तर से भी यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए पूरी गंभीरता बरती जा रही है। इसी उद्देश्य से मुजफ्फरनगर में एटीएस एंटी टेररिस्ट स्क्वायड की टीम भी भेजी गई है। शनिवार की सुबह लखनऊ से पहुंची एटीएस की टीम ने मुजफ्फरनगर में शिव चौक पर डेरा डाला। यहां एसएसपी अभिषेक सिंह ने टीम में शामिल जवानों को कांवड़ यात्रा रूट के संबंध में जानकारी दी और पूरी मुस्तैदी से निगरानी का निर्देश दिया। बता दें कि हरिद्वार से प्रतिदिन लाखों कांवड़िया श्रद्धालु गंगाजल लेकर शिवालयों की ओर आ रहे हैं। मुजफ्फरनगर में इनकी सबसे ज्यादा भीड़ रहती है, क्योंकि यहां शिव चौक मंदिर की परिक्रमा करते हुए शिव भक्त हरियाणा राज्य के विभिन्न जनपदों के साथ ही राजस्थान और दिल्ली के अलावा गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, हापुड़ लिए भी निकलते हैं। जनपद में कांवड़ यात्रा का पूरा रूट लगभग 240 किलोमीटर का है। यात्रा की सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन ने 2000 से ज्यादा स्थानों पर सीसीटीवी लगाए हैं। प्रत्येक 2 किलोमीटर की दूरी पर पुलिस की तैनाती की गई है। आज यहाँ पर टेरर थ्रेट को निर्धारित करने के लिए देखिए, जनपद मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा को लेकर जो ड्यूटियां लगाई गई हैं उसमें हमारे पास एक कंपनी रैपिड एक्शन फोर्स का कंपोनेंट है। इसमें 6 कंपनी पीएसी है, जिसमें हमारे पास एक फ्लड यूनिट भी है पीएसी की, जो घाटों पर लगाई गई है। कल रात्रि में एटीएस की कमांडो यूनिट ने भी यहाँ पर आगमन कर लिया है और शिव चौक, क्योंकि हमारा मेन एरिया है जहाँ पर हर स्टेट के कांवड़िया परिक्रमा करके अपने अपने गंतव्य पे जाएंगे, तो वहाँ पर उनकी तैनाती की गई है। वहाँ पर उनका मेन कंट्रोल रूम रहेगा, जहाँ से वो डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी कोई ऐसी घटना होती है वहाँ डिस्पैच किए जाएंगे। इसके अलावा टोटल हमारी जो स्ट्रेंथ अभी लगाई गई है वो 2500 के लगभग हमारे पुलिसकर्मी डिप्लॉयड हैं। इसमें हमें बाहर से भी फोर्स मिली है। अभी रिसेंटली हमको 200 अंडर ट्रेनिंग सब इंस्पेक्टर्स भी मिले हैं, जो अभी जब डाक कावड़ शुरू होगी तो उसके लिए हम डिप्लॉय करेंगे। एक स्पॉट कमांडो यूनिट होती है पूरी, जिसमें 6 हिट टीम होती हैं, वो पूरी टीम यहाँ पर आई है। उनके पास एक आर्मर्ड व्हीकल है जो बुलेट प्रूफ है और उनके पास एनएसजी के टच पर सारे वेपन्स। सर, एटीएस जो भेजी गई है, किसी तरह के कोई इनपुट मिले हैं सर? देखिए, कभी भी कोई इस प्रकार की यात्रा होती है तो उस पर टेरर थ्रेट रहते हैं और मैं इनपुट्स के बारे में कोई डिस्कशन यहाँ पर नहीं कर पाऊंगा, परंतु हर प्रकार से अभेद्य सुरक्षा देने के लिए एटीएस की टीम यहाँ डिप्लॉय की गई। सर, कौन कौन से एरिया पर? देखिए, वो उनका कंट्रोल रूम शिव चौक पर रहेगा और वो डिस्पैच पूरे डिस्ट्रिक्ट में कहीं पर भी हो सकता है। ओके।